गिरिडीह में 5 करोड़ की हुई लूट के मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है और पुलिस ने लूट की 3,24,15,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। वहीं इस मामले में 6 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है और दूसरे अपराधियों और शेष रकम के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गाड़ी में लगे 2 GPS से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और SP अमित रेणु ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। बीते 21 जून की रात को जमुआ थाना क्षेत्र के बाटी मोड़ में क्रेटा को रोककर उसमें रखी 5 करोड़ रुपए के अपराधियों ने लूट की थी और गिरिडीह में जमुआ में 5 करोड़ की लूट का उद्भेदन कर लिया गया है। पुलिस ने इसमें 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। में सबसे बड़े लूटकांड कहें तो हम गिरिडीह में 21 जून को वारदात होती है गुजरात के व्यापारी से जो पटना से कैश लेकर चलते हैं, उन्हें बंगाल जाना रहता है और झारखंड में लूट हो जाती है। पूरे मामले में SP अमित रेणु ने टीम का गठन किया। खुद पूरे मामले में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है गिरिडीह के SP अमित रेणु। सर, किस तरीके सर इतनी बड़ी लूट कांड को अंजाम दिया गया? 3.25 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो बरामद की जा चुकी है। 6 अपराध कर्मियों का गिरफ्तारी इसमें किया गया है विभिन्न स्थल से। जो घटना जिस समय किया गया उसके बाद से इसका उद्भेदन करना भी एक चैलेंज था, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये गाड़ी गुजर रही थी वहाँ पे तकनीकी साक्ष्य को एकत्रित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दूरदराज का क्षेत्र कई बार पड़ जाता है। और जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि इसमें जो बरामद करना है राशि को उसके लिए किन किन जगहों पर छापामारी करनी है, उसको चिन्हित करना एक टीम के बस की बात नहीं थी, इसलिए इसके उद्भेदन हेतु कई टीम्स की गठन की गई थी। इस संदर्भ में गाड़ी को फिर से दोबारा जब चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि 2 GPS चिप्स लगे हुए हैं उसमें। 1 GPS जो है वो कंपनी के द्वारा लगाई गई थी, जो दूसरा GPS उसमें लगाया गया था उसके ऊपर अनुसंधान जब किया गया उसके बारे में और डिटेल्स मंगाए गए कंपनियों के द्वारा, तो पता चला कि उस GPS को कुछ समय पूर्व ही उस गाड़ी में लगाया गया था ताकि उस गाड़ी को ट्रैक किया जा सके अपराध कर्मियों के द्वारा। तो उस संदर्भ में जब छानबीन की गई तो पता चला कि जो संलिप्त अपराध कर्मी है उनके द्वारा किस जगह पे कहाँ पे GPS लगाया गया, कौन से व्यक्ति हैं जो कि इसमें संलिप्त हैं। और इस संदर्भ में जब टीम्स ने विभिन्न जगहों पर छापामारी की तो जो अपराध कर्मी है उनकी अरेस्टिंग संभव हो पाई है। साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता श्रीकांत गिरिडीह से। श्रीकांत, गिरिडीह में 5 करोड़ की हुई लूट मामले में पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। 5 करोड़ का जो ये मामला था, करीब 3 करोड़ के करीब जो है पुलिस ने रकम भी बरामद कर लिया है और 6 अपराधी भी गिरफ्तार हो गए हैं। अब क्या कुछ अपडेट है इस मामले पे? हाँ जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था, गुजरात के व्यापारी रहते हैं, बिहार से कैश लेकर चलते हैं और उन्हें जाना रहता है बंगाल, लेकिन झारखंड में लूट हो जाती है। ऐसे में पुलिस ने बहुत तत्परता से काम की है। SP अमित रेणु के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी उस टीम ने बड़ी सूझबूझ से काम किया है, इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझा दिया है। दरअसल सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल करने के बाद जब मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा था तो पुलिस ने पूरी गाड़ी की जांच की, जिसमें 2 GPS लगे हुए पाए गए। 1 GPS जो कंपनी की ओर से इंस्टॉल किया गया था और 1 GPS जिसे कुछ दिन पूर्व इसी गाड़ी को NH में रोककर अपराधियों ने धोखे से चिप इंस्टॉल कर दिया था GPS, ताकि इस गाड़ी का मूवमेंट जब इस ओर से हो तो उन्हें पता चल जाए। कुछ माह पूर्व भी कुछ कैश इसी वाहन इसी नंबर ले जाया जा रहा था। इस बार जो पटना से कोलकाता कैश वही बदल जा रहा था, अपराधी तत्व वो लगातार ट्रैक कर रहे थे। जैसे उन्हें लोकेशन मिला कि गाड़ी इस ओर से जाने वाली है, अपराधियों ने तुरंत धावा बोला और 5 करोड़ रुपए लूट लिए। गाड़ी में बने तहखाने में छुपाकर पैसे रखे गए थे और उसकी लूट हो गई थी। पुलिस ने पूरे मामले पर जांच की और अलग अलग स्थानों से सभी आरोपियों को गिरफ्तारी की। हालांकि कुछ अपराधी जो है अभी भी फरार है। कैश की लगभग बरामदी कर ली गई है और 3.25 करोड़ रुपए के आसपास जो है बरामद कर लिया गया है।
पुलिस ने पूरे सूझबूझ से काम की है, तत्परता से। एसपी अमित रेणु खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, खोरी महुआ एसडीपीओ है, मुकेश कुमार महतो वो लीड कर रहे थे क्योंकि इलाका जो है उनका है, जमुआ थाना उनके जो दक्षिण एरिया में आता है। इसके बाद से और कई और अन्य जिले के एसडीपीओ डीएसपी इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी इस टीम में लगे हुए थे। कुल 38 पुलिसकर्मी जो है इस जांच पड़ताल में लगे हुए थे और अंततः मामले का खुलासा हुआ है। अब देखिए जब खुलासा हुआ तो उसके बाद सवाल यह भी उठता है कि इतनी मोटी रकम 5 करोड़ रुपए कैश गाड़ी में छिपाकर आखिर किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, बिना पुलिस को जानकारी दिए आखिर इस कैश का मूवमेंट कैसे होता था, क्या इस तरीके के भारी कैश को लगातार ले जाया जा रहा था, क्या ये हवाला का पैसा है या फिर उस पैसे का हिसाब किताब क्या है, वो तो अब जांच पड़ताल में आगे खुल के सामने आएगा। क्या इसमें इनकम टैक्स का एंगल जुड़ेगा या फिर और अन्य विभाग शामिल होंगे, लेकिन बहरहाल इस वर्ष की सबसे बड़ी सफलता यही है कि पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कैश की लगभग बरामदगी कर ली है और एक अनसुलझी हुई पहेली को पुलिस ने सुलझा दिया है। 5 करोड़ की लूट अपने आप में पुलिस के लिए भी बड़ी घटना थी, पुलिस के लिए भी चिंता का विषय थी, लेकिन जिस एंगल पे पुलिस ने काम किया है टेक्निकल सेल के आधार पे, वो मानवीय जो होता है मैकेनिकल जो भी सूझबूझ है उसका परिचय देते हुए इस पूरी गुत्थी को सुझा दिया गया। कल एसपी अमित रेणु और बाकी सारे पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर हों या जो भी मामला हो, इसमें वो कहीं से भी कोई चूक नहीं करेंगे और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति गिरिडीह पुलिस की है और आगे भी रहेगी। श्रीकांत, बिल्कुल, तो ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।